नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से सीखे बिजनेस शो पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस की जिसमें लगभग ना के बराबर इन्वेस्टमेंट से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी क्षमता के हिसाब से महीनों के लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्षमता इसलिए बोला क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी भूख और आपकी मेहनत पर। आज हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं उसका नाम है लोन DSA बिजनेस। इस बिजनेस में आप लोगों को लोन लेने में सहायता करके महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं लोन DSA बिजनेस क्या है और जानते हैं इस बिजनेस को करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका। इस पूरे प्रोसेस को हमने 7 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। पहला, व्हाट इज लोन DSA, दूसरा, टाइप्स ऑफ लोन्स, तीसरा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विद बैंक्स NBFCs, चौथा, बिजनेस ऑपरेशंस, पांचवा, कमीशन और इंसेंटिव्स, छठा, बिजनेस ग्रोथ और सातवां, चैलेंजेस। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 की और समझते हैं कि ये लोन DSA क्या है। DSA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। DSA का काम होता है बैंक या NBFC के लिए पोटेंशियल कस्टमर्स को खोजना जो कि लोन लेना चाहते हैं। DSA इन लीड्स को बैंक को ट्रांसफर करता है ताकि लोन की कार्रवाई स्टार्ट हो सके और कस्टमर का लोन सक्सेसफुल होने पर बैंक DSA को पेआउट या कमीशन प्रोवाइड करता है। पर बैंक की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं DSA से, जैसे पहला, DSA कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म और पूरे डॉक्यूमेंट्स की फाइल बना के बैंक को सबमिट कर दे, और दूसरा, DSA कस्टमर्स के पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स की एक प्राइमरी चेक कर ले कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है कि नहीं। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। सभी बैंक के अपने अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होते हैं, बट कुछ कॉमन प्रोसेस हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बैंक के DSA एप्लीकेशन फॉर्म को बैंक से या ऑनलाइन उनके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा भर के नेसेसरी डॉक्यूमेंट के साथ आप सबमिट कर सकते हैं। कुछ बैंक की वेबसाइट पे आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करना होगा, फिर आपको बैंक से कॉल आ जाएगी और बाकी का प्रोसेस वो आपको समझा देंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ बैंक जैसे HDFC एक्सपीरियंस भी मांगती है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी इस बारे में डिटेल में हम बिजनेस ऑपरेशंस में बात करेंगे। आपके कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म के सबमिट होने के बाद बैंक आपका बैकग्राउंड चेक करवाती है कि कोई फ्रॉड या क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है। इसके साथ साथ आपके ऑफिस और घर का एड्रेस वेरिफिकेशन भी करवाती है। अगर सब कुछ सही रहता है तो बैंक आपसे DSA रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट साइन करवाती है और आपको एक DSA कोड अलॉट हो जाता है और आप एलिजिबल हो जाते हैं लोन प्रोसेस करने के लिए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लोन पे। जनरली दो टाइप्स के लोन होते हैं, सिक्योर्ड लोन जैसे होम लोन, कार लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और अनसिक्योर्ड लोन जैसे पर्सनल लोन या कुछ टाइप के बिजनेस लोन। आपको DSA कोड होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और बिजनेस लोन के लिए मिल सकता है। पर मेरा सजेशन रहेगा कि आप केवल दो कैटेगरी से स्टार्ट करिए। एक प्राइमरी प्रोडक्ट ले लीजिए जैसे होम लोन, कार लोन या बिजनेस लोन, और उसमें भी मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप होम लोन या कार लोन से स्टार्ट करिए क्योंकि बिजनेस लोन में ड्यू डिलिजेंस यानी फॉर्मेलिटीज ज्यादा होती हैं इन दोनों के कंपैरिजन में। अब इसके अलावा एक सेकेंडरी प्रोडक्ट ले लीजिए जैसे पर्सनल लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। एक चीज आपको और हेल्प करेगी डिसाइड करने में और वो है इंसेंटिव या कमीशन किसमें ज्यादा मिलता है, और इस पॉइंट को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं बिजनेस ऑपरेशंस पे। देखिए, बहुत से लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनके पास ना तो एक्सपीरियंस होगा और ना ही ऑफिस स्पेस, जो कि कई बैंक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप 6 महीने से लेकर 1 साल तक पहले किसी बड़े DSA एजेंट के साथ जुड़िए और बिजनेस की बारीकियों को समझिए। देखिए, कोई भी बिजनेस करना है तो एक बात के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि समय लगेगा, और कम से कम 3 साल का टाइमलाइन बना लीजिए। अगर क्षमता है कि मिनिमम 3 साल दे सकते हैं बिजनेस को, तभी स्टार्ट करिएगा। कोई भी बिजनेस कमजोर दिल वालों के लिए नहीं होता, उतार चढ़ाव आते हैं और शॉर्टकट नहीं चलता, चलती है प्लानिंग, स्ट्रेटजी और हार्डवर्क। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं इस चीज के लिए तभी बिजनेस स्टार्ट करिएगा, वरना जाइए नौकरी करिए। अच्छा, वापस टॉपिक पे आते हैं। आप अपने प्राइमरी लोन सेगमेंट को डिसाइड कर लीजिए कि कार लोन में जाना है या होम लोन में। शक्तिमान बनने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि हर एक सेगमेंट अपने आप में काफी बड़ा है, और अगर सभी को करने की कोशिश करिएगा तो किसी में भी सफल नहीं हो पाइएगा। सुनिए, कार लोन सेगमेंट में आपको कार डीलर्स से संपर्क में रहना होगा, मिलना होगा, रिलेशन बनाना होगा, क्योंकि मैक्सिमम बिजनेस वहीं से आता है जहां कार डीलर का जो सेल्स एग्जीक्यूटिव या मैनेजर चाहता है। तो अगर आप अपना कार लोन में फोकस करना चाहते हैं तो आपको पता है आपको कहां जाना है, और वही अगर आप होम लोन में जाना चाहते हैं तो आपको बिल्डर्स या ब्रोकर से रिलेशन बनाना होगा। और अगर आप नए हैं तो ये आपके लिए टफ होगा, तो किसी बड़े DSA के साथ जुड़ जाइए, आधी सैलरी में काम कीजिए या एसोसिएट बन जाइए, बट किसी तरह उसके साथ जुड़ जाइए। उसे 2 फायदे होंगे। पहला, वो सभी रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे जहां से उसको बिजनेस आता है, और आपके बार बार वहां जाने से आपका रिलेशन बन जाएगा। और दूसरा, इस दौरान कई बैंक ऑफिशियल से आपका इंटरेक्शन होगा जो आगे चल के जब आप अपना खुद का कोड ले रहे होंगे तो उसमें सहायता करेगा। ध्यान रहे, बिजनेस में पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी होते हैं, क्योंकि अगर आपको सही आदमियों का सपोर्ट मिल जाए तो पैसे तो अपने आप आएंगे। इस फेज को आप ट्रेनिंग फेज भी समझ सकते हैं, और ट्रेनिंग किसी भी नए बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप इस फेज को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आपको बिजनेस की क्लैरिटी आ जाएगी कि बिजनेस कैसे होता है, और आप आसानी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कमीशन और इंसेंटिव्स पर। होम लोन 0.20% से 0.75%, कार लोन 1.25% से 2.25% तक, बिजनेस लोन 2% से 3% तक, पर्सनल लोन
1% से 3% तक। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो सबसे कम कमीशन होम लोन में मिलता है और सबसे ज्यादा कमीशन कार, बिजनेस या पर्सनल लोन में मिलता है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, होम लोन का टिकट साइज बड़ा होता है। जैसे अच्छे फ्लैट्स आपको मेट्रो सिटीज में 50 लाख से 2 करोड़ तक मिलते हैं। अगर आप 1 करोड़ का होम लोन करते हैं और आपका 0.5% ही कमीशन है, तभी भी आपको केवल एक लोन करने पर 50,000 की इनकम होती है। अगर महीने के 4-5 फाइल करने पर 3 करोड़ का भी बिजनेस हो जाता है तो आप 1.5 लाख की इनकम सिक्योर कर लेते हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस है कि जैसे जैसे आप मार्केट में पुराने होने लगते हैं और लोगों का ट्रस्ट आप पे बढ़ने लगता है, बिजनेस ऑटो मोड में होने लगता है। अच्छा, कार लोन की भी कैलकुलेशन समझ लेते हैं। एवरेज लोन 10 लाख का मान लेते हैं और कमीशन 1.5% मान लेते हैं, तो भी एक गाड़ी की फाइल होने पर 15,000 की इनकम होती है। अच्छा, एक चीज जो मेजर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कार लोन की, वो है कि कस्टमर का लोन 1 से 7 दिन के अंदर हो जाता है, वहीं होम लोन की फाइल 15 से 30 दिन का समय ले लेती है। मतलब कार लोन में ड्यू डिलिजेंस कम होता है एज कम्पेरिजन टू होम लोन। अगर आपकी अच्छी लाइजनिंग है तो महीने में 8 से 10 फाइलें आराम से हो सकती हैं। सीजन में जैसे नवरात्रि, दिवाली या दिसंबर की क्लियरेंस सेल में क्वांटिटी बढ़ जाती है, वहीं बरसात में डाउन हो जाती है। पर अगर आप साल का 8 से 10 फाइल का मंथली एवरेज भी रख लेते हैं तो 1 से 1.5 लाख की इनकम बड़ी आसानी से हो सकती है। बिजनेस लोन में ड्यू डिलिजेंस ज्यादा होता है और मेरी राय है कि शुरुआत में इसे ना करें। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ज्यादा होने लगता है और होम या कार लोन आप अपने एम्प्लॉयज के थ्रू ड्राइव करने लगते हैं, तब आप पर्सनली इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। बिजनेस लोन्स की फाइल 1-2 CR से लेकर 50-60 CR तक होती है एंड मिनिमम परसेंटेज की भी बात कर लें तो भी 2% मिलता है। तो अगर आप महीने की एक फाइल भी 1 करोड़ की कर लेते हैं तो 2 लाख की इनकम सिक्योर हो जाती है। ये बहुत ही लुक्रेटिव है और जब आप इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपको इस सेगमेंट के अलावा कोई और सेगमेंट समझ में नहीं आएगा, बट इसको इनिशियली नहीं करना है। पर्सनल लोन, अच्छा पर्सनल लोन को सेकेंडरी रखिएगा, ये आपको खर्चे निकालने में मदद करेगा। जनरली लोग 1 से 5 लाख तक का पर्सनल लोन लेते हैं और ये आसानी से मिल जाता है अगर कस्टमर सैलरीड है और उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। अगर केवल 2% का ही मार्जिन ले लें और केवल 5 लाख का ही बिजनेस काउंट कर लें, तभी भी 10,000 हो जाता है जो आपके तेल पानी का खर्चा निकाल देगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल इसी पे फोकस करते हैं और महीने का 50-60 लाख का बिजनेस करते हैं। शादी के सीजन में लोग पर्सनल लोन लेते हैं, कई बार बैंक्स, डॉक्टर्स एंड सैलरीड के लिए स्पेशल ऑफर भी निकालते हैं। पर मेरा सजेशन रहेगा कि पर्सनल लोन को सेकेंडरी ही रखिएगा और होम लोन या कार लोन में से किसी एक को प्राइमरी टारगेट बनाइएगा। अच्छा, आप बात कर लेते हैं बिजनेस ग्रोथ की। आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है एंड इनकम भी आ रही है, पर सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि अब समय है इसे ग्रो करने का। आपके डीएससी बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम कुछ ऑप्शंस पे काम कर सकते हैं। पहला सोर्सिंग एंड लाइजनिंग, दूसरा एडवर्टाइजिंग। सोर्सिंग एंड लाइजनिंग, न्यू बिजनेस लीड जनरेशन के लिए आपको डेली सोर्सिंग करना होगा। अगर आप होम लोन में हैं तो आपको डेली किसी न किसी रियल एस्टेट एजेंट या बिल्डर के पास जाना होगा। अगर आप कार लोन में हैं तो आपको डेली किसी न किसी कार डीलर से मिलना होगा और आप एक फाइल की डिमांड रखेंगे और अपने आप को साबित करेंगे कि आपसे अच्छी सर्विस कोई नहीं दे सकता। दूसरा ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजिंग के लिए आप सोशल मीडिया एड्स, क्लासिफाइड न्यूज़पेपर एड्स, गूगल एडवर्ड्स, गूगल माई बिजनेस, पैम्पलेट्स एंड बैनर्स की हेल्प ले सकते हैं। मैंने एक डिटेल वीडियो 10 लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज के बारे में बनाया है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अच्छा, आप बात कर लेते हैं चैलेंजेस की। बिजनेस है तो चैलेंजेस तो होंगे ही, लेकिन अगर आपको पहले से पता होगा तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे इनसे लड़ने के लिए और जीतने के लिए। पहला चैलेंज है कंपटीशन का। इस बिजनेस में बहुत कंपटीशन है और कंपटीशन से लड़ने का सबसे बेहतर तरीका है अपने आप को बेहतर बनाना, सबसे अच्छी सर्विस, सबसे अच्छी बात करने का तरीका एंड बेहतरीन फॉलोअप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अपने कस्टमर को कंटिन्यूस लूप में रखिए। फाइल का क्या स्टेटस है उसको मैसेज व्हाट्सएप से कम्युनिकेट करते रहिए। ऐसा ना हो कि कस्टमर का बार बार फोन आ रहा है और आप फोन ना उठाएं क्योंकि आपके पास ही अपडेट ना हो। तो एक कदम आगे रहिए, कंपटीशन अपने आप दम तोड़ देगा। दूसरा चैलेंज है रिजेक्शन रेशियो। अगर आपके द्वारा लॉगिन फाइल्स कई बार रिजेक्ट होती हैं, तो इससे आपके कमीशन पे असर पड़ सकता है और आपका कोड भी खतरे में आ सकता है। तो बैंक की गाइडलाइंस एंड पेपर फॉर्मेलिटीज अच्छे से समझ के पहले कस्टमर से सारे पेपर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएं, तभी फाइल लॉगिन कराएं। इससे आपके फाइल रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, अब लास्ट चैलेंज की बात कर लेते हैं, ये है डिफॉल्ट रेशियो। अगर आपके द्वारा लोन दिलाए गए व्यक्ति डिफॉल्ट करता है या ईएमआई नहीं भरता, तो बैंक सबसे पहले आपको फॉलोअप करने के लिए कहता है, और अगर आपके फॉलोअप करने के बाद भी डिफॉल्ट रहता है तो फिर बैंक अपनी कार्रवाई करती है। पर बहुत ज्यादा डिफॉल्ट होने पर बैंक को लगता है कि आप अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं और आपका स्लैब कम करने के अलावा आपका कोड भी कैंसिल कर सकती है। तो लोन करने से पहले एक चीज का ध्यान जरूर रखिए कि क्या ये व्यक्ति अपना ईएमआई दे भी पाएगा या नहीं, क्योंकि कई बार कई लोन एजेंट फर्जी कागज लगा के लोन तो दिलवा देते हैं पर बाद में लोन डिफॉल्ट हो जाता है। तो आप ऐसा काम कतई मत करिएगा और पूरी ईमानदारी से अपना काम करिएगा और देखिएगा कि धीरे धीरे कैसे आप सफलता की नई बुलंदियों को छूते हैं। तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं और जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लोन डीएसए बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सभी कमेंट्स का जवाब देता हूँ। थैंक यू।